हाँ भाई, तो सबसे पहले एफ ऑफ जीरो निकालोगे तो जीरो दिख ही रहा है। अब आओ जरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे आ जाओ। तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो बाई माइनस एच, एकदम अब सेट होना चाहिए लिखने में। लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो तो मॉड एच लगा हुआ है तो डायरेक्ट ये लिख देंगे। लिख दिया, अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी? क्या ये जीरो आ रहा है ये बताओ मुझे बस। यस सर, यस सर। आर एस डी लिखोगे तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो जीरो प्लस एच माइनस जीरो प्लस एच बाई जीरो बाई एच, तो क्या ये भी जीरो आ रहा है? यस सर, यस सर। एल एस डी एंड आर एस डी इक्वल आ रहे हैं तो डिफरेंसिबल भी है और कंटिन्यूस भी है। ये बात समझ में आ गई? यस सर, यस सर। यानी एफ एक्स इज डिफरेंसिबल एंड कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। क्या ये बात सबको समझ में आई? हाँ या ना? यस सर। यस सर। वेरी गुड। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर माइनस वन बाई मॉड एक्स प्लस वन बाई एक्स, ठीक है, व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो, इसमें भी जरा चेक करो। चेक एट एक्स इक्वल टू जीरो एफ एक्स इज डिफरेंसिबल प्लस कंटिन्यूअस। एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक करके बताओ डिफरेंसिबल और कंटिन्यूअस। नहीं बताओगे तो सर एलएचडी 1 है और यस आरएचडी सर, 0 है। जीरो है। यस यस सर। सर। ये आ जाएगा 1/h - 1/h बाई माइनस एच। देखते जाइएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ चीजों को। तो e की पावर 0 मतलब 1 आ रहा है एलएचडी। सही लिखा है मैंने, बस ये देख लो। यस सर। लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो जीरो प्लस एच ई की पावर माइनस जीरो प्लस एच जीरो प्लस एच माइनस जीरो बाई एच, अभी भी ये कैंसिल। तो अब आएगा लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो ई की पावर माइनस टू बाई एच, मतलब ई की पावर माइनस इनफाइनाइट जीरो, बोथ फाइनाइट बट नॉट इक्वल, यानी एल एस डी इज नॉट इक्वल टू आर एस डी बट बोथ फाइनाइट। तो इसका मतलब हमने क्या देखा? एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो बट नॉट डिफरेंसिबल। गुड। अच्छा, तो अब एक स्ट्रीम लाइन में हमारे पास थ्योरी जनरेट हो गई है कि इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए देन एफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। ये ध्यान रखिएगा, मतलब आप कोई भी फंक्शन अगर ए पर डिफरेंसिबल है तो वो ए पर कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ये बात समझ में आ रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या ये दोनों स्टेटमेंट समझ में आते हैं आपको? यस सर। ये दोनों स्टेटमेंट है और दोनों का यूज होता है। मतलब अगर आपने ये प्रूफ कर लिया कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट पर डिफरेंसिबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है। सॉरी, ये आपने प्रूफ कर लिया कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंसिबल है तो उस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिफरेंसिबल होते ही कंटिन्यूअस आ जाएगा। और अगर नॉन डिफरेंसिबिलिटी की वजह ये है कि
कि एलएसडी आरएसडी फाइनाइट है और इक्वल नहीं है तो भी कंटिन्यूअस आ जाए। क्या ये पूरी कहानी सबको समझ में आ गई? हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब मुझे सोच के बताओ, एवरी पॉलीनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ऑब्वियसली किसी पॉलीनोमियल फंक्शन का आप हर जगह कंटिन्यूटी तो चेक कर ही सकते हैं। तो पॉलीनोमियल फंक्शन सब जगह कंटिन्यूअस होता है, सब जगह डिफरेंशिएबल होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, एवरी पॉलीनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स। मतलब कोई भी पॉलीनोमियल फंक्शन अगर आप लेंगे तो वो सब जगह कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है एक्स की सारी वैल्यूज पर। समझ में आ रहा है कि नहीं ये बात? कोई भी पॉलीनोमियल फंक्शन आप लेंगे तो एक्स के सारी वैल्यूज पर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? क्योंकि एक्स कुछ भी रखो, हर जगह आप उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह आप एक लाइन ऐसी खींच सकते हैं, क्योंकि सब जगह। अभी इसका ज्योमेट्रिकल रीजन भी आप समझेंगे, बट उससे पहले आइए जरा फाइंड ए एंड बी। अब इस टाइप के क्वेश्चन जेई मेन और एडवांस में आते हैं। जेई एडवांस में फाइंड ए एंड बी इफ एक फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस थ्री, एक्स लेस देन टू, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू टू। मतलब एक्स इक्वल टू टू पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है। सही है ना? अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने का तरीका तो सिंपल है भाई, आप एल एस डी निकालो आर एस डी निकालो, बट उतना टाइम क्यों वेस्ट करोगे? सिंपल सी बात है, अगर एक्स इक्वल टू टू पर यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू टू पर यह फंक्शन क्या होगा? Continue. तो इसका मतलब पहले तो कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी कंडीशन लगा देंगे। पहले क्या लगाएंगे? कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू टू। तो टू से पहले वैल्यू क्या होगी भाई? टू ए, और टू के बाद में वैल्यू, क्योंकि पॉलीनोमियल वाला कॉन्सेप्ट है, तो फोर ए माइनस टू बी प्लस थ्री। ये पहला रिजल्ट हो गया कि नहीं ये बताओ मुझे, a और b का। क्या ये बात समझ पा रहे हो? अच्छा, अब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और चूंकि ये सब क्या है? पॉलीनोमियल्स हैं, तो हम इनको आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं ये बताओ मुझे। यस सर। वैसे ये बहुत ही रॉ मेथड है, बट आप शॉर्टकट में इतना ले सकते हैं। अब चूंकि ये एफ डिफरेंशिएबल फंक्शन था टू पर, तो ये एफ डैश टू पे क्या आ जाएगा? कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे टू पे लेफ्ट लिमिट कितनी आएगी? ए, और टू पे राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा? फोर ए माइनस बी। तो ये दोनों भी बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ये दूसरी इक्वेशन आ गई। दो इक्वेशन, दो अननोन, सिंप्लीफाई करके ए और बी निकाल लीजिए। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? बोलिए भाई। यस सर। एक्चुअल में ये ध्यान रखिएगा, एक्चुअली ये मेथड मैंने नहीं लगाया, ये जो मैंने निकाला ना एफ डैश और ये, तो ये बेसिकली ये एलएसडी और आरएसडी निकले हैं, तो वो डेरिवेटिव से डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो टू से पहले डिफरेंशिएट कर लो, टू से पहले वाले फंक्शन को टू के बाद डिफरेंशिएट कर लो। अब टू से पहले उसके डिफरेंशिएबल की वैल्यू एलएसडी हो गई, टू के बाद उसके डिफरेंशिएबल की वैल्यू आरएसडी हो गई, तो वहां से हमने एलएसडी आरएसडी निकाल लिया। ए और बी में दो इक्वेशन बना के सिंप्लीफाई कर लो, बताओ क्या आ रहा है आंसर? वही सेम लॉजिक लगा दिया होगा मेरे हिसाब से तो। यस यस। एफ एक्स को अगर मैं थोड़ा सा सिंपलीफाई करके लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? वन बाई एक्स, जब एक्स कहाँ से कहाँ होगा? माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, फिर जब एक्स माइनस वन से वन होगा तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी होगा, और जब एक्स वन से इनफाइनाइट होगा तो माइनस वन बाई एक्स होगा। और हमें वन पे ही चेक करना है, तो पहले कंटिन्यूटी लगा दो वन पे। तो वन से पहले वैल्यू ए माइनस बी, और वन के बाद वैल्यू माइनस वन।
सही लिखा है मैंने, बताओ। इसके बाद एफ डेस एक्स अगर आप निकालना चाहो तो माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर टू ए एक्स और वन बाई एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, ये माइनस वन से वन और ये वन से इनफाइनाइट के लिए। फिर डिफरेंसिबिलिटी लगा दो, एट एक्स इक्वल्स टू वन, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा टू ए और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा वन, तो टू ए वन कर दो तो ए हाफ आ जाएगा। सही लिख रहा हूँ ना? और ये एक इक्वेशन आपने निकाली थी तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थ्री बाई टू। सही है भाई, ऐसे ही किया होगा सबने पहला केस, ठीक है। पहला केस तो ये हुआ कि इफ देयर इज डिसकंटिन्यूटी एट एनी पॉइंट ऑफ कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो वहां पर हम सीधा क्या कह देंगे, ऑल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट सेट टू बी नॉन डिफरेंसिबल, ऑल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट सेट टू बी नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। पहली चीज तो ओके हो गई, मतलब अगर आपने किसी फंक्शन का ग्राफ बनाया और उसमें किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी आ गई तो जिस जिस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी आएगी वो सारे पॉइंट सीधे सीधे क्या हो जाएंगे, नॉन डिफरेंशिएबल। पहली बात क्लियर हो गई, बोलिए। ठीक है, अब सेकंड केस में आइए, केस टू। इफ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स हैविंग शार्प एज शार्प एज, सही है, या इसी को कह देते हैं कस्प, सही है। देन सच पॉइंट आर नॉन डिफरेंशिएबल, ये बात हो गई। और तीसरी सिचुएशन ये होती है ग्राफ की कि इफ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स हैविंग वर्टिकल टेंजेंट, हैविंग वर्टिकल टेंजेंट एट द पॉइंट, वर्टिकल टेंजेंट मतलब किसी पॉइंट पे आपने डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल लें और वो इनफाइनाइट आ गई, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, सच पॉइंट आर नॉन डिफरेंशिएबल, क्योंकि वहां पे डेरिवेटिव की वैल्यू एलएसडी आरएसडी दोनों एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि वो इनफाइनाइट हो जाते हैं। तो किसी भी ग्राफ में आप तीन चीजें देखते हैं, या तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ में नॉन डिफरेंसिबिलिटी चेक करने में यही कॉन्सेप्ट आता है शार्प एजेस वाला, अचानक से ग्राफ की शार्प एजेस का मतलब अचानक से ग्राफ की डेफिनेशन में चेंज आ गया। शार्प एज का मतलब क्या होता है, अचानक से ग्राफ की डेफिनेशन में क्या आ गया,
चेंज आ गया। शार्प एज का मतलब क्या होता है? ग्राफ की डेफिनेशन में अचानक से चेंज आ जाना, तो वो पॉइंट नॉन डिफेंसिबल होते हैं। कहीं पे वर्टिकल टेंजेंट आ गई तो वो पॉइंट भी नॉन डिफेंसिबल हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? और जो पॉइंट डिसकंटिन्यूअस होते हैं वो सारे के सारे पॉइंट क्या होते हैं, मतलब जहां जहां ग्राफ ब्रेक हो रहा होगा वो सारे के सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, बोलिए भाई, नॉन डिफरेंसिबल। अब देखिए इसका एग्जांपल, सबसे पहले तो हम y इक्वल टू मॉड x की बात कर लेते हैं। अगर आप y इक्वल टू मॉड x की बात करें तो x इक्वल टू जीरो पे आपको क्या मिल रहा है? शार्प एज मिल रही कि नहीं, बोलो भाई। यस सर मिल रही कि नहीं मिल रही? तो x इक्वल टू जीरो कैसा पॉइंट हो गया? नॉन डिफरेंशियबल। ये तो आपने वैसे भी प्रूफ किया ही है, हाँ या ना, बताओ मुझे। यस यस। और आइए, जैसे y इक्वल टू सिग्नम x की बात करो, बताओ भाई, इसका भी ग्राफ आपने बनाया है तो ये जीरो पे कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है कि नहीं होता है? तो बताइए x इक्वल टू जीरो इज नॉन डिफरेंशियबल पॉइंट होगा कि नहीं, बोलते जाओ भाई। यस सर। क्यों होगा? बिकॉज ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पे क्या है? डिसकंटिन्यूटी। कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिए भाई। बहुत सारी चीजें हैं, तो जीरो पर आपको क्या दिख रहा है ये बताओ मुझे, जीरो पर आपको क्या दिख रहा है? वर्टिकल टेंजेंट दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ये बताओ। यस सर। यस। यहाँ पे क्या हो रहा है कि x at x equals to zero पर क्या है, नॉन डिफरेंसिबिलिटी है। और उसका रीजन क्या है? x इक्वल टू जीरो पर वर्टिकल टेंजेंट है। वर्टिकल टेंजेंट है तो कहीं वर्टिकल टेंजेंट आ जाए या शार्प एजेस आ जाएं या फिर डिसकंटिन्यूटी आ जाए तो वहां पे आप क्या कहेंगे, नॉन डिफरेंसिबिलिटी आ जाती है। ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब आप ग्राफ बनाएंगे तो इनमें से कोई भी सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी उस ग्राफ में तो आप क्या कह देंगे कि नॉन डिफरेंसिबिलिटी आ गई। या तो अच्छा, जहाँ पे पीस वाइज फंक्शंस होते हैं वहाँ पे इस बात की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है कि शार्प एजेस आ जाएं या वर्टिकल टेंजेंट आ जाएं, तो वहाँ पे तो वो सारे पॉइंट आप चेक करेंगे ही। अगला वाला बताओ। वाई इक्वल टू एल एन एक्स का तो ग्राफ आप सीधा बना ही लेंगे ना, मॉड लगा के एल एन एक्स का ग्राफ बनाएंगे और उसमें मॉड लगा देंगे तो क्या ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, बोलिए। तो इस पॉइंट पे शार्प टर्न आ गया, यानी x इक्वल टू वन इज नॉन डिफरेंसिबल पॉइंट हो गया कि नहीं, बोलिए भाई जल्दी से। यस। सेकंड वाला बताओ, e की पावर माइनस मॉड x, बोलते जाना भाई। यस सर। सेकंड वाला ग्राफ सबको समझ में आ रहा है, यही आ रहा है? यस सर। यहाँ पे जीरो पे क्या आ रहा है, शार्प टर्न आ गया, x इक्वल टू जीरो इज नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। गुड, दोनों में एक एक पॉइंट नॉन डिफरेंशिएबल है। थर्ड वाले में सोच समझ के आंसर दो जरा। सबसे पहले इसका ग्राफ बनेगा, ये है y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का, फिर इस पे मॉड लगाया होगा, यही तो होगा, बोलो भाई। यस। एक्स एक्स पे मॉड लगाया होगा तो जो फाइनल ग्राफ इसका बन के आएगा वो ये आएगा,
क्या फाइनल ग्राफ ये बन के आएगा, देखो ये फिर ये ऐसे, ये और ये, देखो ऐसे कुछ आ रहा है। ये पॉइंट माइनस थ्री होगा, ये पॉइंट माइनस टू, ये जीरो, ये टू और ये थ्री। तो नॉन डिफरेंशियबल पॉइंट क्या क्या दिख रहे हैं ग्राफ से बोलो? माइनस थ्री, माइनस टू, जीरो, टू, थ्री। पांच पॉइंट हो गए ना? यस सर। माइनस थ्री, माइनस टू, जीरो, टू और थ्री, ये पांचों नॉन डिफरेंशियबल पॉइंट हो गए। क्या ग्राफ से दिखे पांचों नॉन डिफरेंशियबल? बोलिए भाई। तो मिनिमम की बात चल रही है, तो जीरो से स्टार्ट करोगे तो यही मिनिमम बना रहेगा। कहाँ तक? पाई तक। सबसे पहले पाई पे मिनिमम चेंज होना स्टार्ट होगा। थ्री पाई बाई टू तक कहाँ चला जाएगा? ये माइनस वन। इसके बाद फिर माइनस वन मिनिमा फिक्स हो जाएगा, कहाँ तक? टू पाई तक। बोलो भाई। यस सर। तो इसका मतलब कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशिबिलिटी आ रही है? दो जगह। एक तो इस पॉइंट पे आ रही है, एक ही जगह आ रही है मेरे हिसाब से। हाँ या ना बताओ? और यहाँ पर तो दोनों पॉइंट सेम ही आ जाएंगे ना? बोलो। यस सर। ये तो सेम स्मूथ पॉइंट हो गया ना ये वाला, तो ये कैसा हो गया? डिफरेंशियबल पॉइंट। बट ये कैसा हो गया? नॉन डिफरेंशियबल। तो कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशियबल आ गई बताओ? x इक्वल टू पाई। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? हाँ या ना में जवाब देना। यस सर। पहले तो tan x और cot x दोनों ग्राफ एक ही फ्रेम में बना लेंगे। क्या यही काम कर रहे होंगे सब लोग? यस सर। जीरो से टू पाई के बीच में ये tan x बन गया। अगर हम cot x का ग्राफ देखेंगे तो वो कुछ ऐसा आ रहा होगा। जीरो, ये शायद पाई बाई फोर आ जाएगा। पाई बाई टू, थ्री पाई बाई फोर, फिर पाई, इसके बाद फाइव पाई बाई फोर, फिर थ्री पाई बाई टू और सेवन पाई बाई फोर, एंड ये शायद टू पाई आता है। तो फाइनल ग्राफ क्या बनेगा बताओ? हमें क्या चाहिए? मिनिमा चाहिए ना दोनों का। तो मिनिमा में ये वाला रीजन, फिर ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, फिर ये मिनिमा, ये मिनिमा और फिर ये मिनिमा और ये मिनिमा, कुछ ऐसा ही आएगा। देख लो भाई, क्या है? मेरी बात समझ पा रहे हो? तो मिनिमा में टोटल ग्राफ क्या बनेगा? जीरो पे डिफाइन नहीं होगा, फिर पाई बाई टू पे भी डिफाइन नहीं होगा, इसके बाद पाई पे भी डिफाइन नहीं होगा, फिर थ्री पाई बाई टू पे भी डिफाइन नहीं होगा, अच्छा सिर्फ पाई तक ही है क्या? ओ चलो, वैसे टू पाई तक एक ही पीरियड की बात हो रही है। तो जीरो से पाई में कहाँ कहाँ आ गया? जीरो आ गया डिसकंटिन्यूअस, ए के सार पे जा गया कहाँ पे? पाई बाई फोर पे। पाई पाई बाई टू डिसकंटिन्यूअस, थ्री पाई बाई फोर सार पे और पाई डिसकंटिन्यूअस। तो टोटल नॉन डिफरेंशियबल पॉइंट क्या क्या आ गए? सर ज़्यादा बना दिया अगर आपने। टोटल नॉन डिफरेंशियबल पॉइंट बोलो क्या क्या दिख रहे हैं आपको? जीरो, पाई बाई फोर,
पाई बाई टू, थ्री पाई बाई फोर और पाई, इसमें से जीरो, पाई बाई टू और पाई कैसे हैं डिसकंटिन्यूअस, पाई बाई फोर और थ्री पाई बाई फोर कैसे हैं स्टार पेजेस।